वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है 7 दिसंबर। भाई हल्की हल्की तो हल्की से ज्यादा ठंड हो गई है दिल्ली में और बहुत ही बढ़िया धूप आ रही है आजकल। अभी थोड़े टाइम के बाद धूप आएगी, उसके बाद फिर धूप को देखने के लिए तरस जाएंगे हम लोग। फिर गर्मियों में धूप ना आए, मतलब एक ऐसी साइकिल है यार अजीब सी। मैं दिन में काफी ज्यादा जल्दी उठ गई थी कि चला आज जल्दी क्लास ले जाऊंगी, 2-3 काम कर लूंगी वहां पे, बट फिर सर का मैसेज आ गया कि आज क्लास नहीं है। फिर बाद में मेरे को नींद भी नहीं आई, मैं चल कोई नहीं, फिर मैं जल्दी जिम भी चली गई। आज सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा इतनी जल्दी कैसे हो गया सब कुछ जल्दी कर लूं, पर मेरा ब्रेकफास्ट हमेशा लेट होएगा। तो आज के ब्रेकफास्ट में है 3 eggs, 1 मल्टीग्रेन सैंडविच ब्रेड और 1 कप दूध। आज ना यार कुछ था ही नहीं ज़्यादा करने को, कहीं आज का दिन तो मेरा बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था, बहुत बोरिंग, कुछ नहीं था आज करने को, कुछ भी नहीं किया आज, मतलब कुछ था ही नहीं, करूँ क्या, जो था ही नहीं था क्या करूँ। गाइस तो आज है 8 दिसंबर और कल रात को तो मैं भूल ही गई कि रात को मेरे को एंड करना था दिन का ब्लॉग, बिल्कुल दिमाग से निकल गया। अब फटाफट अभी आज मैं जा रही हूँ जिम, आज क्या वैसे भी जा रही हूँ, वो जा रही हूँ जिम से आऊँगी फटाफट और फटाफट तैयार होंगी, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ एनिमल मूवी देखने फाइनली। फिर उसका करूँगी रिव्यू, इतनी ओवर हाइप मूवी है, बहुत बहुत ज़्यादा, फिर आपको बताऊँगी कि वो मूवी एक्चुअल में कैसी थी। अभी फटाफट से जाते हैं जिम पहले। तो भाई हम तो आ गए हैं अपनी एनिमल मूवी देखने के लिए और यार बहुत ही बढ़िया लग रही है मेरे को मूवी, नो डाउट, अभी तक तो बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने तो भाई अपने लिए नेचुरल्स ले लिए हैं, मेरी फ्रेंड ने सिर्फ पॉपकॉर्न लिए थे। तो अब हर्ष और मैं आ चुके हैं अपनी फूड रिव्यू की वीडियो बनाने के लिए 2 Pots Kitchen। ओके भाई मैंने तो अपनी एनिमल मूवी देख ली है और ये आ गया है, मेरे को वहीं सीधा इसे पिक कर लिया था क्योंकि हमको जाना है फूड रिव्यू की वीडियो बनाने के लिए। और भाई मेरे को तो एनिमल मूवी बहुत अच्छी लगी, मुझे पसंद आई। चल लोगों का कोई भी कहना हो वायलेंस है, ये है वो है, और मुझे अच्छी ही लगी। तूने तो नहीं देखी ना अभी तक, तो अब चलते हैं फटाफट। मुझे नहीं याद, मुझे पता नहीं, तो अभी मैं तो जा रही फटाफट से घर। हमारी पीछे वाली बैल्कनी में ना छोटी सी बर्ड आ रखी थी और पता है बिल्कुल नहीं डर रही थी हमसे, घर पे आ रही थी। तो जैसे ही मैंने मतलब गली में एंट्री करी वैसे ही मैंने देखा कि यार पूरी रोड टूट हुई है, मैं स्कूटी अंदर नहीं लेके जा सकती, बाहर लगा दूँ तो फिर चल के कैसे जाऊँ, क्योंकि मैंने हील्स पहन रखी थी। और भाई इतनी दिक्कत हुई मेरे को, ये हाल हो चुका है हमारी रोड का, मेरे पीछे से ऐसा हाल हो गया, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। ये ना बहुत सारे मिस कॉल आ रखे थे, मैंने ना डिक्की में रखा हुआ था फ़ोन, तो वहाँ पे मैंने आगे उधर स्कूटी लगाई अपनी और फिर वहाँ से मम्मी ने कहा कि नीचे वाले भैया का ना गेट पीछे वाला खुला हुआ है, नीचे वाले एकदम ग्राउंड फ्लोर वाले भैया रहते नहीं हैं, आज बाई चांस की बात है वो थे। तो मैं से पीछे से घूम के आई, फिर उनके घर से बैक साइड से निकली और इधर से आई फिर मैं ऊपर, दिमाग ख़राब हो गया मेरा तो, कैसे आऊँ क्या करूँ क्या ना करूँ। खुशी है कि अच्छी सी बन जाएगी रोड वगैरह, सुंदर बन जाएगी, ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी थी। ये इस वाले रूम में आ रही एकदम कड़क धूप और कन्नू पी रहा है यहाँ पे चाय मम्मी के साथ में, अच्छा लग रहा है धूप में, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। गाइस तो अब हो चुकी है रात और आज भी ज़्यादा मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, बट कोई नहीं, मैंने आपको थोड़े थोड़े ग्लिम्स दे दिए थे आज के जो जो स्पेशल हुआ था। अब मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है मेरे को आज, तो अब आपसे मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग। तो आज है 9 दिसंबर और आज की सुबह बहुत ही ज़्यादा खतरों के खिलाड़ी टाइप रही है, क्योंकि आज जब मैं सुबह जिम जा रही थी तो आपको पता है कि मेरी रोड पूरी टूट गई है गली की, बहुत प्रॉब्लम हुई कल भी मेरे को घर आने में, और मैं जिम जाना था मुझे कि भाई मेरे को जिम तो जाना ही है, उसके बाद मैं जा ही नहीं पाई, चढ़ ही नहीं पा रही थी, चढ़ रही उतर रही, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी, डर लग रहा था कि गिर गई तो कोई बात नहीं, अगर मैं गिर जाऊँगी ना तो पत्थर कहीं भी लग सकता है मेरे मुँह पे इधर उधर और बहुत भयंकर चोट आ सकती है। जैसे तैसे चली गई और आ भी गई हूँ और अभी हो रहा है लंच का टाइम और आज सैटरडे है और आज बन रहा है स्पेशल मिक्स सॉस पास्ता, क्योंकि कन्नू ने बोला था उसके अच्छे मार्क्स आए, वो पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आया, अच्छे मार्क्स आए तो जो वो बोलेगा मैं बनाऊंगी, तो फिर मैं आज उसके लिए मिक्स सॉस पास्ता बना रही हूँ। तो ये बन रहा है हमारा मिक्स सॉस पास्ता, सारी तैयारी कर ली है मैंने, के लिए बनाया मैंने स्पेशल मिक्स सॉस पास्ता, अब कन्नू खा के बताएगा कन्नू कैसे बना, सच्ची सच्ची ऑनेस्टली बहुत अच्छा है, व्हाइट सॉस से ज्यादा अच्छा है, बैलेंस है, दोनों एक जैसा ही है, हां अच्छा बना यार। क्या बिग बॉस है पता नहीं, इतनी ज्यादा लड़ाइयां होती है इसमें, हद लड़ाइयां होती है, कुछ एंटरटेनमेंट नहीं है, बस लड़ाइयां है। तो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर फिश खाने के लिए, क्योंकि पिछली बार फिश खाई थी तो मम्मी थी नहीं, तो मम्मी ने कहा मेरे को भी फिश खानी है, मैं कहा चलो अब थोड़ा खतरों के खिलाड़ी बन के चलते हैं फिश खाने।
अब यहाँ पे हम खा रहे हैं शॉर्मा, क्योंकि कनक को खाना है शॉर्मा। हम आ गए हैं घर, पर घर आने में भी वक्त लग रहा है क्योंकि रोड पूरी टूटी हुई है हमारी। तो मम्मी आ रही है पीछे धीरे धीरे। आज का दिन तो हुआ हमारा एंड। हम आज फिश इसलिए खाने गए थे क्योंकि ना पिछली बार जब मम्मी उज्जैन गई हुई थी तब हमने फिश खाई थी, तो मम्मी ने कहा था मेरे को भी फिश खानी है, तो हम उनको भी खिलाने ले गए थे। आज का दिन तो हुआ हमारा एंड और अब लग रही है बहुत ही ज्यादा ठंड। अब मिलते हैं कल। गाइस तो आज है दिसंबर 11। अब आप ये सोच रहे होंगे दिसंबर 11 था, आज दिसंबर 10 की दिन चला गया। तो दिसंबर 10 यानी कि कल था संडे, और संडे के दिन होता है एकदम रेस्ट डे। तो मेरा दिमाग भी रेस्ट में चला गया और मैं भूल गई कि मेरे को आज व्लॉग बनाना है। मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मैं बहुत ज़्यादा भूलने लग गई यार। मेरे को व्लॉग रिकॉर्ड करना होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है हुआ क्या यार। कोई नहीं, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगी अब से कि हाँ मेरे को रिकॉर्ड करना होता है। कोई नहीं, है मंडे और वर्कआउट वगैरह हमने सब कुछ कर लिया है। मंडे को वर्कआउट करना यार सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, मंडे को उठना सबसे मुश्किल काम होता है। मंडे ही बेकार है यार, मंडे बनाया क्यों है जी। आज का है हमारा ब्रेकफास्ट पपाया। आज ब्रेकफास्ट करते करते थोड़ा सा काम भी करना है लैपटॉप पे। आज सिर्फ फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना संडे और सैटरडे को ना काफ़ी ज़्यादा ना चीप मील्स हो गए थे, इस वजह से तो थोड़ा मंडे से वापस हल्का सा कर दिया है स्टार्ट। जब इंसान काम कर रहा हो ना तो टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी बीतता है, जब इंसान वेला बैठा हो ना तो टाइम ही नहीं बीतता। अभी मैं अपने घर का इंटीरियर डिज़ाइन बना रही थी, अभी स्टार्ट किया था, 2 घंटे भी बीत गए, पता ही नहीं लगता है टाइम का काम करते करते कसम से। तो भाई फाइनली 2 दिन के बाद ये लोग आ गए हैं पत्थर उठाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली पत्थर तो हट रहे हैं। आज रात को बन रहा है हमारे घर में स्पेशल साग, फाइनली फाइनली। आज है 12 दिसंबर और बहुत जल्दी ये साल निकल रहा है, पता ही नहीं लग रहा ये कैसे कैसे सब कुछ निकलता ही जा रहा है। मैं हो आई हूँ जिम भी, क्लास भी। आज जिम में ना लेग्स का वर्कआउट कर लिया मैंने और बहुत हैवी कर लिया। नीचे पत्थर टूटे हुए हैं गली में और मैं तो भूल ही गई, पैर ढंग से रखा नहीं जा रहा, पैर रखते हैं कांप रहे मेरे, मैं तो डर ही गई मैं गिर गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बड़ी गंदी लग जाएगी मेरे को। पर किसी तरह धीरे धीरे मैं आ ही गई। ठंड भी प्रॉपर तरीके से नहीं पड़ रही है, पता नहीं बहुत ज़्यादा लगती है दिन में, फिर दोपहर में गर्मी लगने लगती है, शाम को ठंड लगने लगती है, रात को पंखा चलाना पड़ता है क्योंकि गर्मी लग रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। आज ब्रेकफास्ट में 1 कप दूध और मल्टीग्रेन ब्रेड का सैंडविच। ये तो मैंने आपको शायद पता नहीं दिखाया नहीं दिखाया, बट हमें बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा गमला लेके आई है मम्मी। मम्मी को ना गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो ऐसे और भी थोड़े से लेकर आएंगे बालकनी के लिए। तो भाई डिनर में मैं खा रही हूँ आज पोहा, आज पोहा का दिन है। इस तुम्हारा डिनर वगैरह सब कुछ हो गया, क्या खाया आज आपने डिनर में? मैगी। कन्नू की तबीयत बहुत खराब हो रही है, इसको कोल्ड हो गया वापस। ये लोग भी कहेंगे कि कोल्ड होता रहता है इसको। हम व्लॉग नहीं बना पाए, पता नहीं है ना क्यों नहीं बना पाए। सब ये हफ्ता बहुत ही ज्यादा बिजी था, अब ये और ही ज्यादा बिजी होने वाले क्योंकि पापा का बर्थडे आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, बहुत कुछ सारी चीजें आ रही हैं अब तो। और शायद मैं जनवरी में ट्रिप पे भी जा रही हूँ और उसका भी व्लॉग आएगा। सो आई होप आप लोगों को हमारी व्लॉग अच्छी लगी होगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। बाय बाय।